So, दोस्तों just now we have solved exercise 9.2 which were completely based on the product of monomial and monomial means जो भी expression थे उनमें एक एक single term थी तो बहुत easy था इसलिए हमने बहुत जल्दी से finish कर लिया. Now I am moving to the exercise 9.3. In this exercise they will give you either monomial multiply by binomial or monomial multiply by trinomial means सब terms जो हैं वो थोड़ी increase हो जाएंगी. First question is carry out the multiplication. Of the expressions in each of the following pair. First is 4p and q plus r. आप यहाँ clearly देख सकते हैं first expression में there is only one term and in the second expression they are given two term. ठीक है? So it's a binomial and it's a monomial. हमें इनका क्या निकालना है? Product. So ये second term को हमें bracket में लिखना पड़ेगा because it's a binomial. इस term का पूरा जो भी अंदर टर्म है उन सब से मल्टीप्लाई होगा. प्रॉपर्टी जो अप्लाई होगी वो कौन सी होगी? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर या वेरिएबल है उसका ब्रैकेट के अंदर की ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लिकेशन होगा. तो सेम यहाँ भी होगा, 4p का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4p का इससे भी मल्टीप्लाई होगा. 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर. सो आंसर इज 4p क्यू प्लस 4p आर. मल्टीप्लीकेशन इज वेरी वेरी इजी बट आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड थर्ड हम सारा साथ में ले लेते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये. सेकेंड इज ए बी ए माइनस बी. अगेन इट्स अ बाइनोमियल बिकॉज इट इज हैविंग टू टर्म. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ए बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी. फाइन. इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा. आपको लिखना होगा बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट बिकॉज हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं. ए बी का मल्टीप्लाई ए से एंड ए बी का मल्टीप्लाई बी से. यहाँ पे कोई पावर नहीं है मीन्स पावर वन है. a and a will give you a square b. तो ये सॉल्व हो गया कितना आ गया? a square b. ऑपरेशन कॉपी एंड ये सॉल्व होके हो गया ए बी स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर विच इज वेरी इजी. सेकेंड नाउ थर्ड. इन थर्ड दे हैव गिवन a प्लस बी एंड 7a स्क्वायर b स्क्वायर. थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया. फर्स्ट टर्म इज बाइनोमियल दे दिया एंड सेकेंड टर्म इज मोनोमियल. कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट इज बाइनोमियल. अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं. आइदर यू कैन राइट इन दिस वे एंड इसका मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से एंड इसका इस पूरी टर्म से. मैं करके बताऊंगी आपको. और इसी का हम अल्टरनेट मेथड लेते हैं कि हम इस टर्म को पहले कॉपी कर लें क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप 2 इंटू 3 लिखें चाहे 3 इंटू 2 लिखें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव. मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. जैसे आप 7 3 जा करें या 3 7 जा करें, a इंटू b करें या b इंटू a करें. इन द सेम वे आप ये पहले लिखें या ये पहले लिखें, अपन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और जब भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम उसको चेंज करके लिख सकते हैं. दोनों केस सेम है. हमने चेंज करके वो कम्यूटेटिव से वो कर दिया है. ये आप देखिए, इसमें जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो फर्स्ट टर्म इज ए. ए का मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म से होगा, ए इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस नाउ बी का मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म से होगा. ठीक है. अब ए पावर तो आप 1 लगा ही सकते हैं जहाँ भी नहीं है. 7 आ गया पहले बिकॉज 1 7 7. ए टू द पावर 3 बी स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 7 7 ए स्क्वायर बी टू द पावर 3. ये हमने फर्स्ट वे किया. नाउ सेकेंड वे से अगर देखें,
7a square b square will be multiplied by a. Operation hai plus, then 7a square b square multiply by b. अभी क्या आएगा, 7a cube power 1 है, b square. Similarly 7a square b cube. कोई इफेक्ट आंसर में नहीं आया. तो जो आपको कन्वीनियंट हो आप वैसा कर सकते हैं. यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि हम मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज कम्यूटेटिव फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन. प्लस प्लस को भी फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ एंड मल्टीप्लाई को भी फॉलो करता है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ए स्क्वायर माइनस 9 एंड 4a. अगेन इट्स अ बाइनोमियल एंड इट्स अ मोनोमियल. ए स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4a से. अब यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके नहीं बताऊँगी, मैं पहले ही इंटरचेंज कर देती हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव लॉ प्लस के लिए भी लगता है और माइनस के लिए भी. लेट्स से a प्लस b है तो यू कैन राइट b प्लस a. इन द सेम वे इन प्लेस ऑफ a इंटू b यू कैन राइट b इंटू a. बोथ हैव सेम मीनिंग. ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 4a ले लेते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ईजी होगा. नाउ विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 4a इंटू a, ऑपरेशन इज माइनस 4a इंटू 9. फाइन, 4 नंबर कोई भी नहीं है तो एज इट इज a a स्क्वायर माइनस 9 फोर ज़ा 36 ए. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. सिंपल मल्टीप्लिकेशन था बट हमने केवल कम्यूटेटिव लॉ लगा के उसकी इंटरचेंज कर दिया हमने एक्सप्रेशंस को. नाउ फिफ्थ इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी एंड सेकेंड टर्म इज जीरो. क्या यहाँ पर कोई नीड है मल्टीप्लाई करने की? क्या आंसर होगा इसका ओवरऑल अगर आप दे तो? यस, इसका आंसर होगा जीरो. बट स्टिल हम एक स्टेप करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो एंड देन हम लिखेंगे इट इज़ ज़ीरो बिकॉज कोई भी नंबर या वेरिएबल को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही होता है. तो ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था. सो फर्स्ट हमने किया चार पांच एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन टेबल, मीन्स कुछ रोज एंड कॉलम्स दिए हैं उनमें एक्सप्रेशंस हैं और हमें जो गैप्स हैं उनको फिल करना है. फर्स्ट हमने किया, नाउ सेकेंड कंप्लीट द टेबल. टेबल जी जो दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन एंड यहां पर हमें निकालना है प्रोडक्ट, मीन्स आंसर लिखना है. यहां पर फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, ए b c d. फिफ्थ इज, फिफ्थ को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं. फिफ्थ इज a प्लस b प्लस c. यहाँ पर हमें दिया है b प्लस c प्लस d. 5xy 6p square minus 7p plus 5p square minus q square and the last one is abc. वैसे तो आपको इतना कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर सके, बट स्टिल हम इसको यहाँ पर स्टेप से भी देखेंगे. इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स हमें क्या गिवन है, b प्लस सी प्लस डी.
हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, ए का इससे भी होगा, इससे भी एंड इससे भी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, सो इट विल गिव यू ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी. ए का बी से मल्टीप्लाई, ए का सी से एंड ए का डी से. बट आप इतने हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ही आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकें ए बी ए सी एंड ए डी. अब हम डायरेक्ट अगर देखें इसको, तो x प्लस वाई माइनस फाइव में ये पूरी 5xy टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक है, मैं दोनों तरीके से, मैं आपको यहाँ भी बताऊँगी और यहाँ डायरेक्टली भी बताऊँगी. जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है और इधर 5xy है, इसका मतलब x का मल्टीप्लाई 5xy से होगा. सो इट विल गिव यू 5x2y. y का मल्टीप्लाई 5xy से होगा. सो इट विल गिव यू 5xy2. साइन का भी बहुत ध्यान रखना है. और माइनस फाइव का जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस फाइव एंड फाइव इज माइनस 25xy. माइट भी आपको टफ लग सकता है, तो हम इसे करके साइड में देखेंगे. ठीक है, आप चाहें तो ऐसे करें, आप चाहें तो इंटरचेंज कर लें, वो ज़्यादा बेटर है. x प्लस फाइव माइनस फाइव, इसका मल्टीप्लाई इससे भी एंड इससे भी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, 5xy मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5xy मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5 इंटू 5xy. ये हमें रिजल्ट देगा 5x2y, 5xy2 एंड 25xy. चेक करेंगे हम कि हमने सही किया है. सो यस, हमने सही किया है. ठीक है, नाउ p का इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, p का इससे, इससे एंड इससे. ये ट्राइनोमियल है बिकॉज इट इज़ हैविंग थ्री टर्म, एंड ये मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है. p का जब 6p² से मल्टीप्लाई होगा, सो 6p³, 7p² एंड 5p. आप यहाँ पे साइड में इसको पूरा प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हमने डायरेक्टली फिल कर दिया है. 4p² का इससे भी होगा एंड इससे भी. एक एक स्टेप करेंगे. जब इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 4p² एंड p² विल गिव यू p⁴ एंड q² ऑपरेशन है माइनस. 4p² q² और q² मिलके बन जाएगा q⁴. ठीक है ना, यहाँ पर ट्राइनोमियल है, यहाँ मोनोमियल है. मीन्स इस टर्म का भी इससे, इसका भी प्रोडक्ट इससे एंड इसका भी प्रोडक्ट इससे निकलेगा. जब a का मल्टीप्लाई ए बी सी से होगा, सो इट विल गिव यू a² bc. जब b का मल्टीप्लाई ए बी सी से होगा, तो वो रिजल्ट देगा ab² c. एंड जब c का मल्टीप्लाई ए बी सी से होगा, सो इट विल गिव यू ab². हमने रो कॉलम के फॉर्म में भी सॉल्व कर लिया. और आपको अगर लगता है कंफर्टेबल नहीं है और थोड़ा सा डाउट लगता है, तो आप प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो ये द सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन. नाउ थर्ड इज फाइंड द प्रोडक्ट. मीन्स ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, बस एक्सप्रेशन जो हैं वो तरह तरह के दे रहे हैं. थर्ड इज फाइंड द प्रोडक्ट of the following. First is a² to a²² and 4a²⁶. यहाँ पर पावर जो है वो थोड़ी इंक्रीज्ड है. नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप पहले प्रॉपर लिखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? x⁻m, x⁻n विल गिव यू x⁻m+n. बेसिस सेम हो तो पावर सारी की सारी ऐड हो जाएंगी. 2 + 22 + 26. 24 एंड 26 इज a⁴⁵0. सो योर रिजल्ट इज 8a⁵0. राइट,
Now, the second is second. 2/3 xy का प्रोडक्ट निकालना है हमें, -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर नंबर. ठीक है, एंड वेरिएबल्स सारे हमने कलेक्ट कर लिए. इनकी पावर कुछ भी नहीं है तो हमने 1 पुट कर दिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो पहले हमारा कोशिश होगा कि हम सिंप्लीफाई करें. तो हमने 2 5 10 किया, 1 × -9 इज -9, 5 3 15 नंबर हमारा मल्टीप्लाई हो गया. नाउ एक्स एंड एक्स विल कलेक्ट 1 + 2 एंड वाई विल बी कलेक्टेड एंड इट विल ऑल्सो गिव 1 + 2. सो -9/15 x³ y³, ये आपका आंसर होगा. बहुत ही सिंपल मल्टीप्लीकेशन था. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -10/3 PQ²³ इज मल्टीप्लाई बाय 6/5 PQ³. सेम प्रोसीजर, नंबर विल बी मल्टीप्लाई टू द नंबर. सबसे पहले हम नंबर को करेंगे 10/3 एंड 6/5, बाकी सब कॉपी. बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट करना, बस आपको केयरफुली करना होता है. जो जो कैंसिल हो रहा है 5 × 2 = 10. न्यूमरेटर में हमारे पास -2 एंड 2, तो ये हो जाएगा -4. नाउ इनकी पावर कुछ नहीं है मीन्स 1. अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ P²² एंड Q². सो योर फाइनल आंसर इज 4P4Q. ठीक है. नाउ लास्ट इज, लास्ट में ओरली बता देती हूँ, x² × x³ × x⁴. सारे वेरिएबल सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. 4 × 3 = 7, 7 × 9 = 9, 9 × 1 = 10. तो फोर्थ का आंसर होगा x⁴, which is oral, so I am not doing here. Now moving to the fourth question.